नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी तड़के में। आपके साथ मैं हूं संजीवनी चौधरी। आइए बढ़ते हैं अपनी फिल्मी तड़के की तड़कती भड़कती पहली खबर की ओर। एक्ट्रेस उदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी ने धमाल मचा दिया है। ये फिल्म अपनी कहानी की वजह से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद ये ऐसी दूसरी फिल्म है जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना रिएक्शन दे रही हैं। इसकी वजह से उदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म जोगीराज सारा रारा की रिलीज डेट को उदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी की वजह से आगे कर दिया गया है। द केरला स्टोरी की वजह से जोगीराज सारा रारा के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट आगे करने का फैसला किया है। पहले इस फिल्म को 12 मई को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब जोगीराज सारा रारा 12 मई को रिलीज नहीं होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, फिल्म की नई रिलीज डेट को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ। अब देखना होगा मेकर्स कब इस फिल्म को रिलीज करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रभास और कृति सैनन की फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में प्रभास भगवान श्री राम के किरदार में खूब जच रहे हैं, तो वहीं माता सीता के रूप में कृति सैनन को भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ट्रेलर में VFX से लेकर स्टार कास्ट का लुक भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। बता दें कि ओम राउत द्वारा निर्देशित फिल्म आदि पुरुष को लेकर काफी विवाद चल रहा था, लेकिन फिल्म के ट्रेलर को देखकर अब लोग मेकर्स की वाहवाही कर रहे हैं। आदि पुरुष के ट्रेलर की शुरुआत भगवान हनुमान जी से होती है। एक पर्वत पर बैठे हनुमान प्रभु श्री राम की कथा सुना रहे हैं। आदि पुरुष के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, VFX और बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आदि पुरुष के ट्रेलर पर फैंस खूब रिएक्ट कर रहे हैं और जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आदि पुरुष टीम ने जिस तरह से कड़ी मेहनत की है और सभी सुझावों को लिया है, वो हमारी धार्मिक भावनाओं के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है और उसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। इस फिल्म को 16 जून को सिनेमा घरों में देखने का इंतजार नहीं कर सकता। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, इस ट्रेलर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिग बॉस फेम शहनाज गिल ने हाल ही में सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड डेब्यू किया है। बिग बॉस 13 में नजर आने के बाद शहनाज गिल की पॉपुलैरिटी में लगातार इजाफा हुआ। इसके साथ ही शहनाज गिल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वे अक्सर अपने फोटोशूट की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। शहनाज गिल ने एक बार फिर अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया है, जिस पर फैंस फिदा हो रहे हैं। शहनाज गिल का हर तस्वीर में कातिलाना अंदाज देखने को मिल रहा है। शहनाज गिल ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और इसके साथ ही हाथों में लॉन्ग साइज के ग्लव्स भी पहन रखे थे। एक्ट्रेस ने अपने बालों को खोला हुआ था। शहनाज गिल ने कैमरे की तरफ देखकर ऐसी अदाएं दिखाई कि हर कोई उनका दीवाना बन रहा है। शहनाज गिल का हॉट अवतार फैंस के सर पर चढ़कर बोल रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर जुड़ेंगे ऐसी तड़कती भड़कती खबरों के साथ फिल्मी तड़के में, सिर्फ N27 न्यूज पर। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।